Which celebrity annoy you the most? KRK. And a lot of other Big Boss में भी जो जो सेलिब्रिटीज आते हैं और ये कहते हैं कि मैं शेर हूँ. नहीं भाई, तू इंसान है, तेरे दो हाथ तेरे दो पांव हैं, तू शेर नहीं है, कोई शेर नहीं है. और ये क्या पूरा, सो पीपल हु थिंक दैट अखाड़ा करने जा रहे हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज मुझे बहुत अनॉइंग लगते हैं. हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है. आज मैं आपको बुलाने वाला हूँ बॉलीवुड की एक फेमस पर्सनैलिटी से, जो एक आरजे भी हैं, एन एक्टर भी है, बिग बॉस कंटेस्टेंट एज वेल, और आपने उनको एज एन आरजे रेडियो मिर्ची में बहुत बार सुना है, और ही इज अ लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एज वेल. प्लीज वेलकम शार्दुल पंडित. शार्दुल वेलकम टू शिराज खान शो. थैंक यू सो मच शिराज. कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, इससे भी पूछ लो, ये बहुत बुरा मान जाता है. क्या नाम है इनका? ऑस्कर. ऑस्कर, हाउ आर यू डूइंग? लोगों को ऑस्कर, फिल्मफेयर ये सब चाहिए रहता है, नहीं मिलता है जिनको, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं खरीदने के, तो हमने ऑस्कर खरीद लिया. ये अच्छा है, आपका घर में चलते फिरते हमारा घर का ऑस्कर. यप. अच्छा अब शार्दुल, सबसे पहले बताएं, वैसे तो सारी दुनिया आपको जानती है एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट एज वेल, एंड आप रेडियो मिर्ची में आरजे भी हैं, पर हम उसे पहले जानना चाहते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी से पहले आप अपनी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, लाइक आपकी कहाँ पर आप बॉर्न हुए, आपका बचपन कहाँ और कैसा गुजरा, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, फैमिली के बारे में कुछ. तो देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नहीं, मुझे पूरी दुनिया नहीं जानती, पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान को जानती है, और आई थिंक मेरे लिए स्टार सिर्फ शाहरुख खान है. अच्छा. अगर कोई है तो आई एम अ हम्बल एंटरटेनर. कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग बिग बॉस की वजह से जानते हैं, कुछ लोग रेडियो की वजह से जानते हैं, कुछ टीवी की वजह से जानते हैं, एंड माई जर्नी इज़ एक्चुअली लाइक दैट, बिकॉज जब मैं इंदौर में था पढ़ाई कर रहा था. अच्छा, आप बॉर्न इंदौर में? जी, पैदा पढ़ाई दोनों वहीं हुई है. ओके. और वहीं पे रेडियो मिर्ची स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके. माय एजुकेशन एक्चुअली वाज हैपनिंग साइमल्टेनियसली. हाँ, ओके. मैं ऑलरेडी रेडियो की शुरुआत कर चुका था, लोकल टेलीविजन पे मैं एंकरिंग भी करता था. वाओ. और उसी के साथ मेरी पढ़ाई खत्म हुई, बिकॉज आई थिंक आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे कोई एक्टर या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था नहीं. Absolutely. और बोल नहीं सकते थे कि मुझे जाना है, बिकॉज पापा के छितर पड़ते. तो हमको ये कहना पड़ता था कि आई वॉन्ट टू डू एडवर्टाइजिंग या मुझे कुछ ऐसा करना, ये कर करके रेडियो की शुरुआत हुई वाइल आई वॉज स्टडिंग. करेक्ट. एंड आई वॉज ऑलरेडी एंकरिंग एट दैट टाइम. तो उसी के साथ एंड द जर्नी जस्ट लाइक बिगैन, बिकॉज रेडियो हुआ, रेडियो के बाद जी इंडियाज बेस्ट सिने स्टार्स की खोज भी उसी एज में हो गया था मेरे लिए. अच्छा, वो भी किया आपने? जी, जिसमें मैं और दिव्यांका इंदौर से जीते थे. एंड देन आई केम टू मुंबई, लेकिन मैं बहुत मोटा था उस वक्त. अच्छा. मैं 110 किलो का था. या पीपल डोंट बिलीव इट नाउ, बट मैं, मेरे पास एक्चुअली फोटोज में आपको बाद में दिखाऊंगा, मैं 110 किलो का था. तो लोग कहते थे ये कैसे एक्टर बन सकता है, तब तक राम कपूर नहीं आए थे. तो लोगों को लगा कि ये कैसा एक्टर बनेगा, अब अगर ऐसा होता तो मैं शायद वो जगह हो जाती. एंड देन आई लॉस्ट वेट, मैं वापस चला गया, पढ़ाई ख़त्म की, कॉलेज किया. करेक्ट. एंड व्हिच स्ट्रीम? एमबीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पीआर. ओह वाओ. सो या, और उसके बाद देन आई मूव टू मुंबई अगेन विथ रेडियो मिर्ची में आया, मज़ा नहीं आ रहा था. फिर उसके बाद मैं एक और रेडियो स्टेशन में गया, विच वॉज इंडियाज फर्स्ट जस्ट फॉर वुमेन रेडियो स्टेशन. ओके. और मेरा शो था कि मुझे लड़के और लड़कियों के झगड़े लगवाने हैं. जो मैं बहुत इंटरेस्टिंग ये तो टॉपिक था. जी, तो रोज मेरा यही काम होता था. शो का नाम था तू तू म्याओ म्याओ. ओके. और बिकॉज बैटल ऑफ सक्सेस होता है ना. Absolutely. आपको लगेगा कि आप कि गर्लफ्रेंड, वाइफ, मदर, सिस्टर आपको नहीं समझती, उनको लगेगा आप नहीं समझते हैं. दोनों को यही लगता है, एक दूसरे को दोनों नहीं समझते हैं. Correct. दोनों ही दोनों को नहीं समझते हैं. सो दैट वॉज द शो. While I was doing it, उस समय ऑर्कुट हुआ करता था at that time. Right. And ऑर्कुट पे there is a casting director who was looking for बालाजी का एक शो, कितनी मोहब्बत है. Right. एंड मुझे उसके लिए कास्ट कर रहा था. और उसके पहले भी ऐसे बहुत सारे शोज थे, जैसे कि बिदाई करके एक शो था. Yes. मैं कोई इवेंट होस्ट कर रहा था, वहाँ पे स्टार के कुछ लोग थे, उन्होंने बोला आप एक्टिंग करेंगे, मैंने कहा पता नहीं है वो. और उन्होंने मुझे बोला बिदाई के लिए ऑडिशन, मैं ना करके आ रहा था. अच्छा. आई वुड ऑलवेज से नो. एंड देन व्हेन दिस हैपेंड, कसम से के लिए मैंने ना किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं रेडियो से हूँ. करेक्ट. तो मैं टीवी कैसे करूँगा,
तो मैं नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे टीवी छोटा लगता था, मुझे लगता मैं करूंगा कैसे, क्योंकि मुझे बोलना आता है, कोई और आपकी लाइंस लिख के दे वो सब नहीं आता था. एब्सोल्युटली. बट आई थिंक डेस्टिनी टेक्स ओवर व्हेनेवर थिंग्स हैव टू हैपन दे हैपन. एंड एट दैट टाइम कितनी मोहब्बत के लिए मुझे कास्ट कर लिया गया, मुझे रेडियो छोड़ना पड़ा, वो नहीं हो पाया बिकॉज मैंने बहुत वेट लूज कर लिया. ओके. सो एक था मैम सॉ मी एंड शी वाज लाइक ये कौन है, ये तो हमने मोटा लड़का लिया था, पतला कैसे हो गया. सो देन आई वाज शिफ्टेड फ्रॉम दैट शो टू बंदिनी विच इज माई डेब्यू शो. ओके. एंड दैट्स हाउ टीवी स्टार्टेड अगेन. व्हेन लल हैपेंड मैं बैठा हुआ था घर पे, क्योंकि टेलीविजन में बहुत ऐसे दिन आते हैं जब आप शूट नहीं कर रहे होते. बिल्कुल. और तब रेडियो मिर्ची दुबई वॉज ओपनिंग, तब मैं फिर दुबई चला गया. फिर 3 साल वहाँ करने के बाद एक्टिंग के कीड़े ने फिर काटा, बिकॉज मैं जब वहाँ था तो हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग दुबई में हो रही थी. राइट. एंड फारा खान वॉज देयर एंड उनको एक सीन के लिए कोई रेडियो जॉकी चाहिए था वहाँ पे, तो मेरा ऑडिशन वहाँ पे गया एंड शी सिलेक्टेड मी. बट वो लौला कुट्टी जो वीजे थी उन्होंने किया, बिकॉज दे वॉन्टेड अ साउथ इंडियन लुकिंग पर्सन. सो शी लाइक तुम तो नहीं लगोगे. फिर मैंने उसमें एक 30 सेकेंड का गेस्ट अपियरेंस किया शुरुआत में सीन में. And that's how I was like, नहीं नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. And at that time there were other people like शशि सुमित, जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन है अब, वो नॉन फिक्शन बना रहे थे उस वक्त, एक एंकर बेस्ड शो जिसके पायलट के लिए मैं इंडिया आया. ओके. और जब मैं इधर आया हुआ था तब मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स हो रहा था, सो आई वॉज सपोज टू डू द पायलट एंड रीच एंड आई मेट जायद खान देयर एंड ही वॉज लाइक वाइट टू एक्ट. लाइक सब बोल रहे हैं मुझे करना चाहिए. एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड आई अगेन केम बैक. Wow. और फिर मैं वीजे बना 9XM पे, जैसे आप एंकर हैं आप करते हैं, मैं भी करता था. फिर BCL हुआ, फिर कुलदीपक जो मेरा लीड शो था वो हुआ. एंड देन अगेन देयर वाज अ फेज वेयर एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. अच्छा एक और बात बताएं कि आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी आपके कॉलेज में ही स्टार्ट हो गई थी जैसे आपने बताया, तो आपकी जो फर्स्ट जॉब कौन सी थी जहाँ पे आपने अर्न की अपनी पहली सैलरी? स्कूल में थी. अच्छा. जैसे कि मैंने आपको बताया मैं पेंटिंग करता हूँ, तो मुझे जो मैं स्कूल में था मुझे MF हुसैन ने अवार्ड किया था फॉर नेशनल पेंट. थर्ड नंबर आया था, पहला नेशनल कॉम्पिटिशन थी पर थर्ड नंबर आया था पूरे इंडिया में, थर्ड नंबर. तो आफ्टर दैट मैंने बोला मुझे पॉकेट मनी चाहिए, तो मैं कॉलोनी के जितने भी बच्चे थे उन लोगों को मैं पेंटिंग सिखाने लग गया. फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो दैट वॉज द फर्स्ट मनी आई स्टिल रिमेंबर. 600 रुपये. कौन से ईयर की बात होगी? आई डोंट इवन रिमेंबर, मुझे याद भी नहीं है. बट आई स्टिल रिमेंबर लाइक बहुत ज़्यादा तो आप खरीद नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते. तो मैंने ऐसे पापा के लिए छोटी सी घड़ी, मम्मी के लिए फेयरनेस क्रीम्स, ये वो सब खरीदा था. एंड आई स्टिल रिमेंबर, दैट्स वन ऑफ माय मोस्ट लव्ड मोमेंट. करेक्ट. और एक और मेरे को ये बात बताएं, जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि आपने रेडियो से करियर स्टार्ट किया, यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, फिर आपको ये शो ऑफर हुआ, आप शो करने जाते थे आपको शो ऑफर हो जाते थे, आप इतने लकी थे क्योंकि यहाँ पर तो लोग इतना स्ट्रगल करते हैं तब उन्हें नहीं मिल पाता मौका. तो क्या आपकी जर्नी वाकई में इतनी ही स्मूथ थी जितना आप बता रहे हैं? नहीं. ये सबसे पहले मेरी शुरुआत बहुत स्मूथ थी. हाँ. एज दे से लक भी कुछ समय के लिए होता है, नॉट एवरीबडी इज लकी ऑल द टाइम. करेक्ट. आई मीन जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके भी बैड और गुड फेजेस आए हैं. एब्सोल्युटली. अमिताभ बच्चन सबसे बड़े स्टार वॉज बैंकक्रप्ट. करेक्ट. मेरा इनिशियल बहुत सही गया, मेरा प्रॉब्लम आया आफ्टर आई वॉज एस्टेब्लिश्ड, बिकॉज बिग बॉस के पहले ये टाइम आया था वेर सब कुछ साथ में हुआ था, माई मदर्स इलनेस, माई शो गेटिंग शट, मनी इज गेटिंग स्टक, फिनेंशियल बैंक्रप्सी, डिप्रेशन, 4 relapses ऑफ जॉन्डिस. मैं मतलब बच गया उस टाइम. तो उस टाइम में किसने आपको संभाला या आपने खुद को कैसे संभाला? उस टाइम पे कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी स्ट्रेंथ बने और मुझे लिटरली जिंदा रखा. बिक�ज आई वॉज 4 relapses जब आपको जॉन्डिस के हो जाते हो और आप मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हो, आप किसी भी दिन जा सकते हैं. करण पटेल, अंकिता भार्गव, विनायक दुबे एंड चारू मेहरा, दीज वर माई फ्रेंड्स एट दैट टाइम. एंड इंडस्ट्री के 2-3 और दोस्त थे जो कॉन्टैक्ट में रहते थे. बट आई थिंक द ओनली 3 people आई वुड क्रेडिट दिस इज बिकॉज आई वॉज विद देम ऑल द टाइम is Vinayak, Karan and Ankita and my sister. She was somebody who never stopped believing in me. Ek time tha jab nobody wanted to give me anything. Right. Na kahin se kaam tha, na kuch tha. Us tamay sirf meri sister thi jisko belief tha in me.
सो या दीज थ्री पीपल. अच्छा, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में आने के लिए गॉड फादर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री? आने के लिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी आया काम करने के लिए और यहाँ पर रुकने के लिए. एक लेवल तक जाने के लिए चाहिए, चाहिए. काम भी बहुत सारे लोग करते, मैं भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं. बट यस, एक एक्टर और एक स्टार के बीच का जो सफ़र है वो बिना गॉडफादर के नहीं हो सकता है. शायद कुछ लोग नई बात को मानेंगे, वो बोलेंगे कि अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, बट इट्स ट्रू, ये सच्चाई है. बिल्कुल. और अगर कड़वी सच्चाई है, हाँ, ये ऐसी सच्चाई है, लोग इसको एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर नहीं पाते. कड़वी सच्चाई है. आप जितने भी स्टार्स उठा के देख ले, हम बोलते हैं सेल्फ मेड है, उनको भी कोई परखने वाला, तराशने वाला, सपोर्ट करने वाला चाहिए, अदरवाइज दे डोंट बिकम वॉट एवर दे बिकम. सो एज़ आई वाज़ सेइंग, दीपिका पाडुकोन हैज हैड अ संजय लीला भंसाली, जिन्होंने उनके टैलेंट को तराशा है. एब्सोल्युटली. या शाहरुख खान, जिनके पीछे यशराज थे. ऐसे बहुत सारे एक्टर्स, एक्चुअली नॉट जस्ट एक्टर्स, आई मीन आप टीवी भी अगर देखें तो सो मेनी एक्टर्स का करियर ही नहीं होता अगर एकता कपूर नहीं होती. राइट. और उन्हीं ने उनको तराशा, पहचाना. आई थिंक स्मृति ईरानी जी को बनाने वाली एकता कपूर है. तो यू नीड समवन, गॉड फादर कह लो या मेंटोर कह लो या आप उन्हें प्रेरणा देने वाला कुछ भी कह लो, बट यू नीड समवन. तो मतलब हम शार्दुल की लाइफ में वो मेंटोर नहीं, गॉड फादर कौन था जिसने इस हीरो को तराशा? नहीं, तभी मैं अभी वहाँ पे नहीं हूँ. नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो इनफैक्ट अपने करियर में. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है शार्दुल आपसे ले जुड़ा हुआ, कि हमने देखा पिछले कुछ टाइम से आपके बहुत सारे रूमर्स उड़ रहे हैं कि आपका अफेयर अर्शी खान के साथ भी, बहुत सारे हमने पढ़ा आपके बारे में, उस बात में कितनी सच्चाई है? यार ऐसा है कि मैं तो अफेयर कर लूँ ठीक है, लेकिन ये अफेयर्स मुझे समझ में नहीं आते जो एक कॉफ़ी से शुरू हो जाते हैं. अच्छा. मतलब क्या होता है कि अगर आप कॉफ़ी पे गए और वहाँ पे कोई और है और आप लोग ने साथ में, क्योंकि BCL आप भी रह चुके हैं BCL में, आप बता रहे थे मुझे, अर्शी मुझसे वहीं मिली थी. ओके. फिर हम दोनों एक जगह पे एक ही वक्त पे थे, एक रेस्टोरेंट में हमने फ़ोटो खींच लिया और वो लोगों ने सोचा कि हम डेट कर रहे हैं. स्पेशली ये यूट्यूब आर्टिकल्स जो होते हैं. ओके. यूट्यूब पे किसी ने डाल दिया कि देख ये डेट कर रहे हैं, और कुछ कुछ लोग हेडलाइंस भी वैसे ही डालते हैं ना, क्या अफेयर चल रहा है, चैन से सोना है तो जाग जाओ. सो बट ऐसे अफेयर तो मेरे बहुत सारे लोगों के साथ कराए गए हैं. ओके. कीर्ति के साथ करा दिया था जो मेरे साथ शो में थी, नैना के साथ करा दिया था क्योंकि वो मेरे साथ बिग बॉस में थी. फारा खान ने तो मुझे बोला था कि तुझे कविता कौशिक के साथ अफेयर कर लेना चाहिए था. जिन्होंने बिग बॉस देखा है उन्हें पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. सो या जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ हमें बता दें. और आपका एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमारे जितने फॉलोअर्स हैं ऑब्वियसली बहुत सारे जानते हैं, आपका जो रेडियो पे जो प्रोग्राम आता है वो कौन से और कितने बजे वाला प्रोग्राम? उसका है? नाम है शाना शार्दुल. ओके. और वो आता है 2 से 5. ओके. और या दैट्स अबाउट इट. एंड व्हाट अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? Well, there are right now I am completely busy with my digital shoots. Okay. And radio. Because radio is a very big commitment. It's a daily commitment actually. Right. It's not like कि मैंने महीने में 2 दिन दे दिए और ख़त्म हो गया. ऐसा नहीं है. It's a daily show. With that, my digital shoots are happening. I am going to shoot for something in the next week, but that's just a cameo. Okay. And so ऐसे acting, मैं उन actors में से नहीं हूँ जो ये कहना चाहेगा कि pipeline में है projects और मैं discuss करना चाहूँगा. सबकी pipeline खाली है. Correct. जो ये कहते हैं कि pipeline में projects है, नल में पानी भी नहीं है, वो pipeline खाली पड़ी हुई है. So I don't say that. And in fact, I want to say this via you that जितने भी actors ये interviews देते हैं कि मैं choosy हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं. प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े एक्टर्स जब ये कहते हैं कि एक्टर चूज नहीं करता है कि उसके पास क्या आ रहा है. Absolutely. आपके पास जो आता है आप उसमें से चूज करते हो. राइट. सो जो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत चूजी हूँ, सॉरी दीदी और भैया, झूठ बोल रहे हैं आप. लेट्स प्ले रैपिड फायर विद शार्दुल पंडित. क्यों? क्योंकि आपके बारे में जानना है ना. और अरे यार ये तो मतलब जब से करण जौहर ने रैपिड फायर क्या शुरू किया है. हाँ जी करिए. तो अब आपके साथ करने का मौका नहीं मिला ना करण जौहर को, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ. Okay, do you believe in love at first sight? No. Dark chocolate or milk chocolate? Dark chocolate. Are women complicated? Men are also complicated. I think human beings are complicated. But are women complicated? No, men are also complicated. I am a big feminist. आप मुझसे कितना भी घुमा लें, ये निकलवा ही नहीं पाएंगे. Do you Instagram your food? No. Texting or talking?
टॉकिंग, टेक्सटिंग क्यों करनी है लोगों को, मुझे समझ नहीं आता है। इस बात में मुझे गुस्सा आ जाता है कि मतलब एक तो आपकी उंगलियां बिजी हैं, आपकी आंखें बिजी हैं, आपका दिमाग बिजी है, स्क्रीन पे चिपके पड़े हैं। उसी देर में मैं अगर कॉल पे हूँ तो लाइक मैं टॉयलेट जा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं रास्ते में चलते हुए बात कर सकता हूँ, जो टेक्सटिंग पे नहीं होती है। फिर टेक्सटिंग में इंतजार करना पड़ता है लोगों को और टोन नहीं पता चलता है आवाज का। एब्सोल्युटली। मैं अगर आपको हाय गुस्से में भी बोल रहा हूँ, प्यार से भी बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट के बिना भी बोल रहा हूँ, तो भी आपको लगा हाय तो बोला। देखा, एक आरजी होने का ये फायदा वो सिर्फ हर बात बोल के बताना पसंद करते हैं। ऑलराइट, स्केल योरसेल्फ फ्रॉम 1 to 10, हाउ गुड आर यू एट कीपिंग सीक्रेट्स? नॉट वेरी गुड, मैं इसलिए अपने दोस्तों को बताता हूँ, मुझे मत बताओ। 1 to 10? 6. What's something new happening in your life right now? I'm giving this interview to Shiraz. Very good. Okay, what's your favorite number and why? 1. Why? Sabka favorite hota hai 1. Number 1. Okay. How do you start your day? 5 minute aur sone do. What is success for you? Happiness. Sunrise or sunset? Sunset. What is the first thing you notice about someone when you meet them? Eyes and how they smell. Okay. What compliment does people give you the most? आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत फनी हैं। If you could be any animal, what would it be and why? पांडा। पांडा? जी। Why? क्योंकि पांडा बड़ा खुश रहता है, खाता है, सोता है, खाता है, सोता है और दिखता बड़ा क्यूट है। Okay. What is the biggest lie that you have ever told someone? 5 मिनट दूर हूँ। ये तो फिर रोज ही बोलते हो। रोज। ओके, व्हाट इज द समथिंग चाइल्डिश दैट यू स्टिल डू? आई लव ड्रिंकिंग बॉर्नविटा। रियली? या, एंड हैविंग ब्रेड बटर विद बॉर्नविटा, दैट्स माय गिल्टी प्लेजर। आई थिंक मेरे आजू बाजू के सब लोगों को पता है कि लोगों की पार्टी होती है, क्लब जाएंगे, डांस करेंगे, मुझे आप ब्रेड बटर बॉर्नविटा दे दें, मैं सबसे खुश इंसान हूँ। वाह, वेरी नाइस। इफ यू कुड स्विच लाइव्स विद एनी सेलिब्रिटी फॉर अ डे, हु वुड इट बी? रणबीर कपूर। नॉट बिकॉज ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज ऑफ द रोल्स दैट ही इज डन। जिस तरह के रोल्स रणबीर कपूर को मिले हैं, वो करने के लिए आपको रणबीर कपूर ही के ही घर पैदा होना पड़ेगा, वरना नहीं मिलेंगे। तो रणबीर कपूर। वॉट यू हैव डन दैट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ? I have stayed alive when everything was against me and everybody thought that shayad main nahi rahunga. Yep. Okay. One food you would not want to give up? Bonvita? No, I can give up Bonvita, but I don't think so. I would not like to give up is dal chawal. Dal chawal. Yeah. Okay. If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? मैं क्या बात करूँगा उनके सामने? मैं तो बोलूँगा सर आप ही बात करें, मैं सुनूंगा, बिकॉज PM को जाके मैं क्या ही कुछ बोलूँगा, जो बोलना है वो तो लोग ट्विटर पर बोल ही रहते, तो मैं भी बोल दूंगा। Which celebrity annoy you the most? KRK and a lot of other big boss में भी जो सेलिब्रिटीज आते हैं और ये कहते हैं कि मैं शेर हूँ। नहीं भाई, तू इंसान है, तेरे दो हाथ तेरे दो पांव हैं, तू शेर नहीं है, कोई शेर नहीं है। और ये क्या पूरा, सो पीपल हु थिंक दैट अखाड़ा करने जा रहे हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज मुझे बहुत अनोइंग लगते हैं। ओके, व्हाट मेक्स यू एंग्री? इनजस्टिस। व्हाट एज यू वांट टू रिटायर? नाउ। ओके। पैसा नहीं पर उतना। One craziest thing you have done in your life? अरे मैंने on मतलब सुबह 9 बजे से लेके रात के 12-2-3 बजे जब तक मैं जगा रहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ। Your nickname? बहुत embarrassing है। बता दो। So मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे राजू बोलते हैं, क्योंकि वो आया राजू। हाँ, because it comes from राजकुमार। Okay. So basically मेरे जब कोई बहुत क्लोज हो जाता है तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, मैं हंसा बन जाता हूँ कि मतलब, और मेरा टेक्निकल नॉलेज बड़ा ख़राब है मेरा, तो फ़ोन में कर कुछ ख़राब हो जाए, पढ़ाई लिखाई का काम हो जाए, तो हम लाइक मेरे दोस्तों को बोलते हो तुम कर दो, तो देव लाइक तू राजकुमार है, तो उन्होंने राजू बोलना शुरू कर दिया। माय घर का नाम इज़ निक्की, वो और भी इरिटेटिंग है जो मैंने निक्की तंबोली को आज तक नहीं बताया। और या ओके, इफ़ यू आर नॉट एन आरजे और एक्टर,
व्हाट वुड यू बी? यार ये मैं समझ चुका अपनी लाइफ में कि द डेस्टिनी चूजेज व्हाट दे वांट यू टू बी. मैंने रेडियो इतनी बार छोड़ा है बट आई थिंक रेडियो हैज़ बीन अ लॉयल. जैसे कुछ लोग के अफेयर्स होते हैं वो वाइफ को छोड़ के चले जाते हैं और वाइफ फिर भी प्यार करती रहती, रेडियो ने ऐसा किया है मेरे साथ हमेशा. सो आई थिंक वो मेरी किस्मत में ही था. तो आई थिंक वो किस्मत में होता है. एंड लास्टली what do you say about Shiraz Khan show? It's a very interesting show. In fact, when we were starting this, I was like, yaar, inki technology badi cool hai. Matlab, inke mics badi cool hai. Inki wireless technology badi cool hai. Main interview chodke main se ye sab baate karne lag gaya tha. But what I want to say is that he's a very, very prepared anchor because you know, bola rapid fire. Idhar haath nikala, rapid fire ready tha. So I was like, I love effort and preparation. And it was an absolute wonderful chat with you. Thank you so much. And hope you like the conversation between Shardul Pandit. और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा. और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल.